अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये जी एलजी की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ड्रायर भी है, ये 10 kg वाली है। इसके अंदर एक फॉल्ट आ रहा था कि ये 31 मिनट पे आके स्टॉप हो गई थी, तो उसके आगे ये नहीं चल रही थी, 31 पे स्टेबल थी। तो फिर हमने इसका वाटर पंप चेक किया खोल के, वो ख़राब था, उसको खोल के अच्छी तरह से साफ़ किया है और उसके बाद वो चल गया इसका वाटर पंप। इसका बैक कवर ही आप खोलेंगे तो बैक कवर के यहाँ पर नीचे का इसका वाटर पंप होता है और यहाँ से ही वो बाहर खुल जाएगा। उसके दो तारे होते हैं, वो तार नहीं है, और उसके नीचे तीन नट लगे होते हैं, वो खोलेंगे तो वाटर पंप बाहर आ जाएगा। उसको अच्छी तरह से सर्विस करें, वो ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट उसको 220 पे चला के भी आप चेक कर सकते हैं, वो चल जाता है। तो इस तरह से आपने इसका ये फॉल्ट ट्रेस कर लेना। अगर वो 31 मिनट पे 30 पे आके रुक जाती है तो इसका मतलब है कि वो पानी वाटर पंप नहीं इसका काम कर रहा। तो इसका पंप है अभी ये बिल्कुल ठीक चल रही है, पानी शानी बिल्कुल ठीक बाहर निकाल रही है।